जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज कक्षा 11th में विषय है राजनीति विज्ञान, पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय दूसरा शीत युद्ध हम पढ़ रहे थे, जिसमें था शीत युद्ध का अंत। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद किस तरह से उन्होंने एक नया है जो वैचारिक बदलाव किया, जिसमें पुनर्गठन और खुलेपन की नीति अपनाई गोरबचेव ने, किस तरह से है जो शॉक थेरेपी अपनाई। शॉक थेरेपी के बारे में हमने पढ़ा था कि विश्व के पूर्वी यूरोप में शॉक थेरेपी का हमने क्या पढ़ा था, शॉक थेरेपी यानी साम्यवाद का साम्यवाद द्वारा पूंजीवाद को स्वीकार करना, क्या पूंजीवाद को स्वीकार करना यानी आज के मामलों में अब पूंजीवादी विचारधारा का स्वीकार करना। अधिकांश पूर्वी सोवियत गणराज्य में तनाव और संघर्ष थे, जब और इसका कारण यह था कि साम्यवाद की वजह से उसके जो घटक राष्ट्र थे वो तनाव में थे। उनका कारण था अत्यधिक केंद्रीयकरण। इतने बड़े भूभाग का रूस द्वारा संचालित होना, यह केंद्रीयकरण घटक राष्ट्रों को पसंद नहीं आया। विकास उन तक पहुंच नहीं पाया, उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाई, आर्थिक रूप से वो कमजोर होते गए, इसलिए वो तनाव में थे। और अब वो है जो उनमें एक नई राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और वो है जो साम्यवाद यानी USSR से अलग होना चाहते थे। ये इनका एक मुख्य कारण था। सबसे पहले युगोस्लाविया ने क्रोशिया, स्लोवेनिया और ग्रोनेशिया और हर्जेगोविना को कई प्रांतों को अलग कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे साम्यवाद का अंत होता गया और साम्यवादी देश हैं जो रूस से अलग होते रहे। अब हम पढ़ेंगे कि भारत और कम्युनिस्ट देशों के बाद है जो भारत की क्या स्थिति थी, जब साम्यवाद का खात्मा हुआ तो भारत की स्थिति क्या थी। इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि भारत का एक सहयोगी राष्ट्र था USSR। कौन था? USSR। और इस USSR ने हमेशा भारत का आर्थिक और सैनिक उसी के साथ विश्व मंच चाहे वो UNO हो चाहे अन्य कोई आर्थिक सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन हो, उस पर हमेशा भारत का सहयोग दिया। क्या दिया? सहयोग दिया। और भारत जब नव उदित था, भारत धीरे धीरे अपना विकास कर रहा था, तो हमारा जो सैनिक सहयोग था वो सैनिक सहयोग लगभग USSR से था। अब जब USSR से हमारा सहयोग था और USSR ने खुद पूंजीवादी व्यवस्था पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया यानी USA की पॉलिसी स्वीकार कर ली, तो भारत के सामने ये एक समस्या थी, वैचारिक समस्या थी कि अब वह USSR साम्यवाद विचारधारा का समर्थन करे या फिर वो भी हैं जो USA यानी पूंजीवादी विचारधारा को स्वीकार करे, ऐसा संयस था। लेकिन भारत ने अपनी संतुलित आर्थिक व्यवस्थाओं को संभालते हुए दोनों पक्षों से हैं जो अपना सहयोग लिया। इसको हैं जो कहते हैं वुडन वेड की नीति का अर्थ होता है जब चाहे जिससे सहयोग ले लो और दोनों के बीच अगर कोई बड़ी शक्तियों के बीच टकराव है तो अपने आप को छुपा लो यानी उससे अलग कर लो।
भारत ने सभी पोस्ट कम्युनिस्ट देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। भारत का सबसे मजबूत संबंध अभी भी रूस के साथ था। आज भी हमारा जो सैन्य है सामरिक सहयोग है वो आज भी हमारा रूस के साथ है और भारत ने अन्य देशों के साथ है जो समन्वय स्थापित किया था। भारत रूस संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंश है और दोनों देश एक बहुधुरीय विश्व व्यवस्था को साझा दृष्टि से उपयोग करना चाहते हैं। भारत और रूस का जो संबंध है वो प्रगाढ़ है, आज भी बना हुआ है, चाहे वो साम्यवाद में था चाहे वो पूंजीवाद की स्थिति में था। भारत रूस जो संबंध है वो बहुधुरीय विश्व के लिए पक्षपात है। भारत रूस संबंध ये दोनों बहुधुरीय विश्व के लिए हैं जो साझा थे, अर्थात भारत और रूस दोनों विश्व को बहुधुरीय विश्व में देखना चाहते थे, ना तो एक ध्रुवीय विश्व में ना दो ध्रुवीय विश्व में। विश्व अनेक शक्तियों में बटा हुआ हो ऐसा भारत और रूस दोनों चाहते थे। भारत को कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, मध्य एशिया तक पहुंच, चीन के साथ संबंधों में संतुलन जैसे मुद्दों पर रूस से लाभ मिला। अब रूस का लाभ भारत को कई क्षेत्र में मिला, कश्मीर मुद्दे पर जब यूएनओ में हमारी जरूरत थी वीटो पावर की तो कश्मीर मुद्दे पर रूस ने हमारा सहयोग दिया था। उसी के साथ ऊर्जा आपूर्ति जब भी हमें यूरेनियम परमाणु की जरूरत पड़ी, यूरेनियम और थोरियम की आपूर्ति रूस ने की थी। मध्य एशिया तक पहुंच बल्क की राजनीति, बल्क का रास्ता और छोटे छोटे राष्ट्रों में है जो चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे जलीय मार्ग हो, चाहे वो स्थलीय मार्ग हो, रूस ने हमेशा भारत के लिए अपने राष्ट्रों के मार्ग खोले हैं। और चीन के साथ संतुलन, इसके साथ चीन के साथ संतुलन का अर्थ है चीन के साथ जो हमारी तनाव था उस तनाव में रूस ने हमारा सहयोग देकर संतुलन स्थापित किया था। रूस इस रिश्ते से लाभान्वित होने के लिए खड़ा है क्योंकि भारत रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है। और उसके बदले भारत रूस को क्या मिला, तो रूस को यह मिला कि भारत हथियारों का बाजार भारत की जितनी भी सामरिक आवश्यकताएं थी वो रूस द्वारा पूरी होती थी। इसके द्वारा तो रूस के जितने भी हथियार थे उसके लिए भारत एक बाजार था, उसकी अपनी है जो आर्थिक थी। कई देशों ने वैज्ञानिक और है जो परियोजनाओं में साथ काम किया। वैज्ञानिक हमारे जितने भी पहला जो उपग्रह थे वो लॉन्च हमेशा रूस से ही हुए और अन्य परियोजनाएं भी रूस के सहयोग से चलती थी। एक दौर था जब 90-95 के आसपास उस दशक तक हमारे जो जितने भी सैटेलाइट प्रोग्राम होते थे वो रूस के सहयोग से चलते थे। मार्च 1985 में मिखाइल गॉर्बाचेव को कम्युनिस्ट सोवियत संघ पार्टी के महासचिव के रूप में चुना। मास्को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में बोरिस येल्सिन को नियुक्त किया गया। सोवियत संघ में सुधारों की एक श्रृंखला शुरू हुई। 1988 में लिथुआनिया में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, बाद में एस्टोनिया और लातविया में भी फैल गया। और ये जो सुधारों की मांग हुई थी ये 1985 में रूस में शुरू हुई। गॉर्बाचेव के महासचिव बनने पर पार्टी महासचिव बनने पर
वहाँ पर उस दौर में इस पार्टी महासचिव को ही राष्ट्रपति कहा जाता था। तो उसने सुधारों का दौर शुरू किया और धीरे धीरे सबसे पहले सोवियत संघ ने इटियासी में घोषणा की और 1989 में सबसे बड़ा दौर आया था बर्लिन की दीवार गिराना। क्या? बर्लिन की दीवार गिराना, यानी इसको सीधी सी भाषा में कहते हैं इटली का एकीकरण 1963 में। कब? 1963 में इटली को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी। एक पर साम्यवाद का प्रभाव था, एक पर पूंजीवाद का प्रभाव था। ये दीवार वहाँ की संस्कृति, वहाँ के सामाजिक सरोकार को नष्ट करने वाली थी। धीरे धीरे इस दीवार को तोड़ने का काम हुआ और गोर्बाचेव ने 89 में इस दीवार को, नवंबर 89 में इस दीवार को गिरा दिया और जो इटली का एकीकरण हुआ, उनके आपसी रिश्ते और सौहार्द बने। फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा को बहुदलीय राजनीति की अनुमति देने के लिए सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 72 साल की लंबी सत्ता का एकाधिकार, और दूसरा उसने सोवियत संसद में यूएसएसआर की संसद में एक नई व्यवस्था लागू की, वो थी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उसको मंजूरी दी। इसका मतलब था अब सोवियत संघ में कई राजनीतिक दल हो सकते थे, पहले वहां पर एक दलीय व्यवस्था थी। क्या थी? एक दलीय व्यवस्था थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, कौन? कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार था और उसने 72 वर्षों तक जो वहाँ पर शासन किया, इस 72 वर्षों के शासन का एकाधिकार खत्म हुआ। 90 में लिथुआनिया अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और 15 गणराज्यों से अलग रहने का काम किया। जून 90 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी निर्भरता की घोषणा कर दी। जून 91 में येल्त्सिन अब कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहे, वे रूस के राष्ट्रपति बने और अगस्त 91 में कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरधारियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक अपमानजनक तख्तापलट किया। सितंबर 91 में एस्टोनिया, लावतिया और लिथुआनिया के 3 बाटली गणराज्य यूएन के सदस्य बन गए, बाद में मार्च 4 में नाटो में शामिल हुए। दिसंबर 91 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1992 की संधि को रद्द करते हुए फैसला किया कि यूएसएसआर का पुनर्निर्माण, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की स्थापना की जाएगी। इस तरह से 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ से इस्तीफा दिया। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया इस पद से, यूएसएसआर के राष्ट्रपति पद से, इससे राष्ट्रपति पद से। इसका इस्तीफा देते ही है जो यूएसएसआर का विखंडन हो गया। अब यूएसएसआर सिर्फ 3 राज्यों से, रूस, बेलारूस और है जो यूक्रेन के अधीन रह गया, बाकी है जो सारा खत्म हो गया और ये सोवियत संघ का अंत कहलाया गया। इस तरह से धीरे धीरे सोवियत संघ का अंत हुआ। अब सिर्फ रूस 3 बाल्टिक राज्यों के साथ अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं और इसके 15 गणराज्य थे वो खत्म हो गए, 12 अपने अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में हो गए। धन्यवाद। कल हम इससे आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे।